हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं गार्डन से रिलेटेड ही वीडियो, जिसमें कि आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कुछ विंटर फ्लावरिंग सीड्स जो कि अपने लोकल मार्केट से ही हम लेके आए हैं और काफ़ी रीजनेबल भी मिल गया है। बस अब ये देखना है कि ये जो भी सीड्स लेके आए हैं ये कितने जर्मिनेट होते हैं कितने नहीं, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। और साथ में लेके आए हैं कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और गुलदावरी की कुछ कटिंग्स लेके आए हैं, क्योंकि पिछले साल हमारे पास तो बहुत अच्छा कलेक्शन था गुलदावरी का, लेकिन जो हमारे यहाँ आंटी काम करती है ना, उनको कई बार समझ ही नहीं आता कि ये मतलब झाड़ झंखाड़ है या कोई मतलब अच्छा पौधा है जो फूल भी देता है या कुछ, मतलब चाहे वो खेत की बात हो या गार्डन की बात हो, वो अक्सर ऐसा करती हैं कि उनको जब समझ में नहीं आता तो वो जो चीज़ें नहीं मतलब हटानी चाहिए वो भी हटा देती हैं। तो इस वजह से जो गुलदावरी का कलेक्शन था ना, वो भी पूरा हमारे गार्डन से ख़त्म हो चुका है। तो इस बार एक नए सिरे से गुलदावरी का कलेक्शन जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ कटिंग्स वो भी लेके आए हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रिक्वेस्ट एक छोटी सी है आप लोगों से कि अगर हमारे चैनल पे न्यू है और फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर बार बोलते हैं, आज फिर बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे वीडियोज़ वॉच तो करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। ये सब टोटली फ्री है, इसलिए इसको करने में कंजूसी आप लोग बिल्कुल मत किया करिए। ये आपका ही चैनल है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या लेके आए। सबसे पहले ये कोकोपीट का पैकेट है। आज से पहले कभी भी कोकोपीट हम खरीदते नहीं थे, बस वो नारियल के जो छिलके होते थे उनका बुरादा बना के वही यूज़ करते थे। तो ये 1 kg का कोकोपीट है और ये 100 rupees लिखा हुआ है, लेकिन डिस्काउंट करके शायद 80 rupees में मिला था। इसके बाद ये स्प्रे बॉटल है। स्प्रे बॉटल पुरानी वाली ख़राब हो गई थी मेरी, तो इसलिए ये लेके आए हैं। पूरी बॉटल नहीं लेके आए हैं, सिर्फ ये स्प्रे पंप लेके आए हैं। ये 120 rupees में मिला है। इसका एक और आता है जो पतला वाला होता है, जो कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में लग जाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ये मजबूत दिखा तो इसलिए ये लेके आए हैं। इसके बाद ये है एक्जोरा का प्लांट। इस बार एक्जोरा के बहुत सारे कलर्स ऐड किए हैं अपने गार्डन में और इस बार ये रीज़नेबल भी मिल गया। पिछली बार जो लेके आए थे वो 150 का था, लेकिन ये 80 rupees में मिल गया है। उसके बाद ये कुछ गुलदावरी के कलर्स हैं अलग अलग, तो अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन से कलर हैं, लेकिन ये 5 छोटे छोटे प्लांट्स लेके आए हैं, क्योंकि गुलदावरी का जो कलेक्शन था वो हमारे गार्डन से पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इसके बाद ये है सकुलेंट। सकुलेंट के 2 वेराइटीज़ लेके आए हैं और इस बार ये भी काफ़ी रिजनेबल मिल गए। वैसे यहाँ पे ये 1 piece मिलता था 350 या 300 का, लेकिन इस बार 150 each मिला, तो 300 में ये 2 लेके आए हैं, तो इसलिए हम 2 ले लिए कि रिजनेबल है तो चलो ले लेते हैं। तो ये कुछ गुलदावरी के छोटे छोटे प्लांट्स लेके आए। ये एक्जोरा है और ये है पिंक सिंगोनियम, जिसको रिपोर्ट कर चुके हैं क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटा है। एक और सिंगोनियम लेके आए हैं, लेकिन वो बड़ा प्लांट है उसका, ये काफ़ी छोटे छोटे से हैं। और ये है एक बल्ब, ये अम्ब्रेलस का बल्ब है। ये 20 rupees का मिला। मिक्स कलर उनके यहाँ बल्ब के थे, इसलिए सिर्फ एक ही लिए क्योंकि ऐसे पता तो चलता नहीं है कि कौन सा कलर है। इसके बाद ये देखिए, ये मुशांडा का प्लांट है और ये पिंक मुशांडा है। ये इस बार ही गार्डन में ऐड किए हैं और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी है। तो इसी का एक ये रेड कलर इस बार ऐड किए हैं। ये 120 rupees का मिला है और इसमें पहली फ्लावरिंग अभी हो रही है और ये भी प्लांट काफ़ी हेल्दी है। इसको ला के रिपोर्ट भी कर दिए हैं और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये रेड कलर भी। अभी जब अच्छे से फ्लावरिंग होगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके बाद जो अरेलिया का प्लांट, जो प्लांट की शॉपिंग किए थे तो उसमें अरेलिया का भी प्लांट लाए थे, तो उसकी कटिंग्स भी यहाँ पे लगा के रखे हैं। तो ये कटिंग्स आप देखिए काफ़ी अच्छे से चल रही हैं, इनको भी रिपोर्ट करना है।
ट्राई कर रहे थे कि अरेलिया के जो कटिंग्स हैं वो ग्रो होती हैं कि नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गई हैं। और ये जो कुछ बीज हैं ये भी लेके आए हैं, ये 30 रुपीज़ का पड़ा है। और देखिए जर्मिनेट होता है कैसा निकलता है कैसा नहीं, पिटूनिया का है। उसके बाद ये देखिए सनफ्लावर, सन गोल्ड, ये भी बीज ला के रखे हुए हैं। इन सबको अभी जब लगाएंगे तो देखते हैं कि कितने मतलब सक्सेस होते हैं ये सारे बीज। ये वाइट मैरी गोल्ड है और ये सारे बीज अप्रॉक्सीमेट एक ही रेट के पड़े हैं। इन कुछ के रेट हैं 30 रुपीज़, कुछ के हैं 40, तो एक सा ही मतलब पूरा करके 30 रुपीज़ ईच मिला हमको। तो इनमें अब जो भी बीज हैं वो लगाने पे ही पता चलेंगे कि वो कैसे निकले हैं। ये डहलिया का भी बीज है, ट्राई करेंगे इस बार कि डहलिया के बीज से पौधे तैयार होते हैं कि नहीं, अब देखते हैं। तो ये सारे बीज के पैकेट्स लेके आए हैं, दो अलग अलग कंपनी के हैं, एक तो ये गणेश करके है और एक और भी है। तो देखते हैं कि ये सारे बीज लगाने के बाद ये सक्सेसफुली जर्मिनेट होते हैं कि नहीं, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। और ये है कैलेंडुला का, कैलेंडुला के मिक्स बीज हैं इनमें। कैलेंडुला के काफ़ी सारे बीज पिछले साल के भी हैं मेरे पास। पिछले साल के जो विंटर फ्लावरिंग सीड्स थे वो ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से बीज सारे ख़राब हो गए थे। तो इसलिए इस बार कुछ ही ये बीज के पैकेट्स लेके आए हैं और इनको लगाएंगे और देखते हैं कि कितने जर्मिनेट होते हैं कितने नहीं। बाकी रेट के हिसाब से तो रीज़नेबल ही मिल गए हैं और बीज की क्वांटिटी भी इनमें अच्छी खासी है। जब आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जब ये सारे बीज लगाएंगे। जिनको गार्डनिंग का शौक़ होता है वो इसी तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ अपने गार्डन में ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। तो वही सेम मेरा भी हाल है कि जब भी मार्केट जाते हैं तो लगता है चलो गार्डनिंग के लिए कुछ लेके चलते हैं। तो यही वो सारे बीज हैं जो कि लेके आए हैं और इनको जब लगाएंगे तो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यही वो शॉपिंग थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। और ये सारे फ्लावरिंग सीड्स अब देखिए कितने जर्मिनेट होते हैं या नहीं होते हैं, वो तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो जब भी अभी ये लगाएंगे तो आप लोगों के साथ वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करेंगे और क्या रिज़ल्ट आता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।